नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं दीपक डोभाल। जब से कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है तभी से वो विवादों में है। बीजेपी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रही कि कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को ही आधार बनाकर उस पर लगातार प्रहार करने में जुटी हुई है बीजेपी। राहुल गांधी के विजन को पेश करने के इरादे से यह घोषणा पत्र जारी किया गया, लेकिन लगता है कि कांग्रेस का अपना ही मैनिफेस्टो उसके लिए किसी फांस से कम नहीं बन गया है, जिस पर लगातार वार करके बीजेपी कांग्रेस के दर्द को बढ़ाई जा रही है। जिन खास मुद्दों पर कांग्रेस की आलोचना हो रही है और बीजेपी जिस पर प्रहार कर रही है, वो है मैनिफेस्टो में शामिल कश्मीर नीति, देशद्रोह कानून, रक्षा नीति। कहा यह जा रहा है कि ये कांग्रेस की ये बातें सेना का मनोबल तोड़ने वाली हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ तो नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र वाकई उसका एक और सेल्फ गोल साबित हो रहा है? देश विरोधी कानून हटाने की बात कहकर कांग्रेस क्या मैसेज देना चाहती है? क्या ये सारे मुद्दे कांग्रेस पर अब भारी पड़ रहे हैं? इन सारी बातों पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं मुद्दे को और लौटेंगे तो मेहमानों के साथ होगी देश की बात। घोषणा पत्र जारी करने के मामले में कांग्रेस ने बीजेपी से बाजी तो मार ली, लेकिन अब वो अपने ही किए वादों में फंस गई है। बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर लगातार हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल वादों पर पार्टी को जमकर घिरा। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि तिरंगे का अपमान करने वालों से कांग्रेस को सहानुभूति है। प्रधानमंत्री ने सवाल किया कि कांग्रेस का हाथ देश के साथ है या देश द्रोहियों के साथ। इधर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। दरअसल कांग्रेस के घोषणा पत्र में एफ्सपा की समीक्षा का मसला चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर हमला करते हुए दो टूक कहा कि कांग्रेस का एजेंडा सेना का मनोबल तोड़ना है। दरअसल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में न्याय योजना, कृषि के लिए अलग बजट, 22 लाख सरकारी नौकरियों और शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च जैसे कई लोक लुभावन वादे किए हैं, लेकिन घोषणा पत्र में शामिल कई वादे विवादास्पद हो गए हैं। ये हैं जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म नहीं करने का वादा, इसके अलावा देशद्रोह की धारा 124 खत्म करने का वादा, कश्मीर में सेना सीआरपीएफ की संख्या कम करना, एफ्सपा की समीक्षा और नागरिकता संशोधन विधेयक वापस करने का वादा शामिल है। इस बीच उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बयानों से कश्मीर मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के विलय की शर्तों को बहाल करने के लिए कड़ा संघर्ष करेगी, जिसमें सूबे में सदर रियासत और वजीर आजम होने का प्रावधान शामिल है। तो पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने दोहराया कि अगर 370 हटाने की डेडलाइन हुई तो उसी दिन कश्मीर देश से अलग हो जाएगा। दोनों ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की तारीफ की। कुल मिलाकर बीजेपी लगातार अपने चुनाव प्रचार में इस मुद्दे को उठाकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी कांग्रेस और नेशनल में साठगांठ का आरोप लगाकर इसे देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने वाले बयान और वादे बता रही है, तो कांग्रेस लगातार अपने घोषणा पत्र का बचाव कर इसे जनहितैषी बता रही है। तो क्या वाकई में कांग्रेस के घोषणा पत्र से देश विरोधी ताकतों का मनोबल बढ़ेगा? क्या वाकई कश्मीर रक्षा नीति पर अपने वादों से कांग्रेस फंस गई है? देशद्रोह कानून को हटाने का वादा करके कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है? और क्या घोषणा पत्र में शामिल तमाम मुद्दों पर देशद्रोह, अनुच्छेद 370 और आफ्सपा जैसे मुद्दे भारी पड़ रहे हैं? इन्हीं पर होगी आज देश की बात। तो ये तमाम मुद्दे आज देश की बात का हिस्सा, लेकिन अब परिचय मेहमानों से। सबसे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 25 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव रखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है गोपाल कृष्ण अग्रवाल आपका। हमारे साथ हैं अब्दुल रजाक खान, राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक विषयों पर खुलकर राय रखते हैं, दलितों और अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर भी काम करते हैं। अब्दुल रजाक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं राजीव रंजन, जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के, सोशल वर्क में एमए किया है, सामाजिक मुद्दों पर लिखते पढ़ते हैं, शिक्षा से जुड़े अधिकारों के लिए खासतौर से लड़ाई लड़ते हैं। राजीव रंजन, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, टैंक युद्ध विशेषज्ञ हैं, थल सेना मुख्यालय में डिप्टी डीजी रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं संगीत रागी जी, जो कि आरएसएस समर्थक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, आरएसएस की विचारधारा का समर्थन भी करते हैं। प्रोफेसर रागी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं रमेश खन्ना, राष्ट्रीय सचिव हैं CAIT यानी कि द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के, कारोबारियों के सबसे बड़े संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप, जीएसटी से जुड़े मामलों के खासतौर पर जानकार माने जाते हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं अनिल आनंद जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, 35 सालों की पत्रकारिता का अनुभव रखते हैं, राजनीतिक मुद्दों पर गहरी पकड़ रखते हैं और कश्मीर मुद्दों पर भी खासी पकड़ रखते हैं। अनिल आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, और मेहमानों से आपका परिचय हो गया, अब शुरुआत करते हैं रैपिड फायर राउंड से। तीन सवाल हम पूछते हैं अपने मेहमानों से। जो मेहमान हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें, तीन सवाल हम पूछेंगे अपने मेहमानों से एक एक करके। हाँ या ना में आपको जवाब देना है, सिर्फ यस या नो कहना है और उस पर विश्लेषण बाद में करेंगे। लेकिन आप चाहें और यस या नो में आपका जवाब नहीं है, हाँ या ना में नहीं है, तो नो कॉमेंट्स भी आप कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड का पहला सवाल। पहला सवाल ये रहा, क्या सेना के हाथ बांधने का वादा कर कांग्रेस चुनाव जीत पाएगी? यह है पहला सवाल। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपसे शुरुआत करते हैं, हाँ या ना सर? देखिए, बिल्कुल नहीं जीत पाएगी। नहीं जीत पाएगी, ऑल राइट सर। अब्दुल रजाक खान, ये सवाल ही गलत है दीपक जी। ओके, ये सवाल ही गलत है, कांग्रेस सेना का हाथ बांधना नहीं चाहती है। ठीक है, तो अभी मैं आपका यस में ले लेता हूं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव जीत पाएगी, ये सवाल नहीं है। ठीक है, राजीव रंजन, नहीं जीत पाएगी। नो। जनरल दयाल, नो कमेंट्स। नो कमेंट्स, ऑल राइट सर। प्रोफेसर रागी, नहीं। नहीं। रमेश खन्ना जी, नहीं। नहीं। अनिल आनंद जी, नो कमेंट। नो कमेंट्स, ये प्रश्न ही गलत है। ऑल राइट सर। और अब दूसरा सवाल, देशद्रोह कानून को खत्म करने का वादा कांग्रेस पर क्या भारी पड़ेगा? गोपाल कृष्ण अग्रवाल, हां जी, बहुत भारी पड़ेगा। ऑल राइट। अब्दुल रजाक खान, मैं नहीं जवाब दे सकता, यह भी सवाल गलत है। ओके, नो कमेंट्स में ले रहा हूं। राजीव रंजन, नो कमेंट। नो कमेंट्स। जनरल दयाल, नो कमेंट्स। ओके। संगीत रागी जी, ये कांग्रेस पर बहुत भारी पड़ने वाला है। Right, लोग इसे ले मान करके चलेंगे कि जानबूझ करके जिहादियों के इशारे पर किया गया है। ओके, ओके सर। रमेश खन्ना जी, बहुत भारी पड़ेगा। All इस right. समय जिस दिशा में देश जा रहा है। ओके सर, यस या नो में आपका जवाब ले लिया मैंने। अनिल आनंद जी, अनिल आनंद जी, जी बिल्कुल भी नहीं। नो। ओके, और आखिरी सवाल रैपिड फायर राउंड का, क्या न्याय योजना बीजेपी के राष्ट्रवाद का मुकाबला कर पाएगी? गोपाल कृष्ण अग्रवाल, बिल्कुल भी नहीं, दोनों अलग विषय हैं और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। ओके, अब्दुल रजाक खान, बिल्कुल कर पाएगी, 2014 से देश में कोई गद्दार नहीं रहता था, तो 2014 okay. के बाद राष्ट्रवादी बन रहा है। ठीक है, राजीव रंजन देश में है, right, अब्दुल वो राष्ट्रवादी ही है। ठीक है, आगे करेंगे, इस पर बात करेंगे। राजीव रंजन जी, देखिए, सबसे पहले तो ये सर, हाँ या ना, यस या नो लेकर के जो कांग्रेस का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो गरीबों को न्याय, ना ना। ओके, थैंक यू। जनरल दयाल, हालांकि पॉलिटिकल मसला है, नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। ओके सर। प्रोफेसर रागी, बिल्कुल नहीं। ठीक। रमेश खन्ना जी, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। अनिल आनंद जी,
जी हाँ, यस। चलिए तो ये था हमारा रैपिड फायर राउंड और इसमें हमारे मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं, इस पर आगे विश्लेषण करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल जो कल से पूछा जा रहा है और बीजेपी जिसका लगातार आरोप लगा रही है कांग्रेस पर, वो हम अब देश की जनता से पूछते हैं। यह है हमारा आज का कड़क सवाल, क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र वाकई देशद्रोहियों का मनोबल बढ़ाने वाला है? यह जनता तय कर लेगी तो मेरे ख्याल से स्थिति साफ हो जाएगी। हमने अपनी देश की जनता से पूछा, अपने व्यूवर से पूछा है, क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र देशद्रोहियों का मनोबल बढ़ाने वाला है या नहीं? हाँ या ना में आपको जवाब देना है। फेसबुक पर जाएं, @ZeeBusinessOnline हमारा पेज है, वहां पर जाकर हाँ या ना में अपने जवाब दर्ज करें। ट्विटर अगर यूज करते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है @ZeeBusiness, वहां पर जाकर आप यस या नो, हाँ या ना में अपना जवाब दे सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं को हम शामिल करेंगे शो के आखिर में, उस पर प्रतिक्रिया और उसका विश्लेषण भी करने की कोशिश करेंगे यदि वक्त रहा तो। चलिए अब शुरुआत करते हैं चर्चा की, और चर्चा मैंने शब्द का इस्तेमाल किया चर्चा इसलिए क्योंकि चर्चा सार्थक होती है, चर्चा से एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, चर्चा से अनसुलझे जो सवाल होते हैं वो भी सुलझने की कोशिश होती है। इसलिए चर्चा हम करेंगे, लड़ेंगे नहीं एक दूसरे से, और औपचारिकता वश अपने तमाम सुधी जो पैनलिस्ट हैं उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूं, असहमतियां सहमतियां आपकी हो सकती हैं, लेकिन कोई भी बात रखने से पहले ये ध्यान रखिए कि एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट्स ना करें, बिलो द बेल्ट अटैक ना करें, व्यक्तिगत आक्षेपों से बचें। चलिए शुरुआत करते हैं, अब्दुल रजाक खान आपसे शुरुआत करता हूं मैं। आपने मेरे दोनों रैपिड फायर राउंड के जो सवाल हैं उन दोनों को झुटला दिया, आपने कहा कि ये तो सवाल ही नहीं है, क्या सेना का हाथ बांधने का वादा कर कांग्रेस चुनाव जीत पाएगी, आपने कहा ये सवाल ही नहीं उठता है। और दूसरा मेरा सवाल था कि देशद्रोह कानून को खत्म करने का वादा क्या कांग्रेस पर भारी पड़ेगा, आपने कहा ये भी कोई सवाल ही नहीं है। बट आपके मैनिफेस्टो तो यही बता रहे हैं सर, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की हम समीक्षा करेंगे, उसमें यौन उत्पीड़न और बाकी चीजों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, समय वक्त होगा, मुझे लगता है कि आपको बखूबी मालूम होगा। और देशद्रोह कानून मतलब खत्म करना नहीं होता दीपक जी? नहीं सर, मैंने खत्म करने को नहीं बोला सर, अगर आप उसमें समीक्षा उसकी कर रहे हैं और उसके कुछ प्रावधान हटा रहे हैं जो अब तक आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत सेना को मिले हुए थे, उसकी समीक्षा करके आप क्या सेना के हाथ नहीं बांध रहे हैं? और अगर बांध रहे हैं तो क्या ये चुनाव पर भारी पड़ेगा? यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट पर ध्यान दीजिए, जो एट्रोसिटीज कश्मीरी नौजवानों के ऊपर हुए हैं, जितने 2014 से 19 तक हुए हैं उतने आजादी से लेकर आज तक नहीं हुए। अरे देखिए, ये सिर्फ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। अरे मैनिफेस्टो में एफसा पावर्स को निकालने की बात नहीं की है। नहीं, हमने कब कहा सर, हमने समीक्षा बोला, देशद्रोह के कांग्रेस के साथ हमने समीक्षा कहा, देशद्रोह का साथ दे रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बीजेपी हाथ जोड़ दे आप सवाल नहीं करेंगे, गोरखा मुक्ति मोर्चा के साथ सवाल वो हाथ मतलब गठबंधन करेंगे आप सवाल नहीं करेंगे, पीडीपी के साथ हाथ जोड़कर उनसे हम क्या सवाल करेंगे? अब्दुल भाई बीजेपी के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, उनसे हम सवाल करेंगे? फिलहाल तो सवाल कांग्रेस है ना सर, घोषणा पत्र आपने जारी किया, उन्होंने नहीं किया अभी, घोषणा पत्र आपने जारी किया है और आप पर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, देशद्रोह कानून को खत्म करने का वादा किस मंशा के तहत किया गया सर? को एक बार 2014 में वादे करके वादों से मुकर गए, आज जब देश की जनता उनसे सवाल कर रही है उनके पास जवाब नहीं है। इसके लिए ये सर जवाब तो आपके पास भी नहीं है, मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ सर, प्रेजेंट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी सर, मैं बड़ी शालीनता से आपसे सवाल कर रहा हूँ। अरे इनकी पार्टी का और इनके समर्थन आरएसएस का कोई भी आजादी की जंग में हिस्सा नहीं लिया। कहां ले जा रहे हैं सर आप बहस को? पार्टी पर आज अब नेशनलिज्म कहां ले जा रहे हैं सर बहस को? आप देखिए तो जो नैरेटिव बनाया जा रहा है सर, राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ा जाएगा सर। आप इतना बता दीजिए, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की समीक्षा का ये आइडिया इस समय क्यों आया कांग्रेस में, अगर आप समझ पाए हो तो ये बस मुझे बता दीजिए, इसके ये सही है या नहीं है, ये सही है या नहीं है, हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, बाकी लोग भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, हम उनसे एक न्यूट्रल कमेंट लेंगे, आप इसकी चिंता ना करें, हम उस पर दोनों कमेंट लेंगे, लेकिन इसका आइडिया अभी क्यों आया, मंशा क्या है ये बता दीजिए। दीपक जी मैं यूएन की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, सितंबर 2017 की यूएन रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें एट्रोसिटीज के ऊपर उंगली उठाया गया था हिंदुस्तान के ऊपर, लेकिन भारत सरकार ने उसका जवाब नहीं दिया, उसको अंडरमाइन कर दिया। तो सर आप ये मान रहे हैं क्या ये मान रहे हैं कि कांग्रेस इस बात को एक्नोलेज कर रही है कि आर्मी एट्रोसिटीज वहां पर करती थी, आप ये मान रहे हैं क्या? आप ये कहना चाहते हैं क्या? आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ये मान रही है कि आर्मी अब तक एट्रोसिटीज कर रही है? हाँ हम मानते हैं,
ये कांग्रेस मानती है। देखिए जब गोपाल कृष्ण अग्रवाल, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ऑल राइट पत्थर उठा रहे हैं सर, ठीक है ओके। आप गोपाल कृष्ण अग्रवाल क्या क्या कांग्रेस ये मान रही है, अगर वो समीक्षा की बात कर रही है तो क्या ये कांग्रेस की एक तरह से स्वीकारोक्ति है, क्या कांग्रेस सेना पर ही सवाल उठा रही है अभी से इस तरह से देखा जाए? बिल्कुल, यहाँ पे दो इशू है, क्या हमारी भारतीय सेना, अब्दुल भाई मैंने आपकी बात सुनी, अब आप जवाब भी सुनिए, है वह हाँ देखिए भारतीय सेना जो कि देश के प्रति आतंकवाद से लड़ाई कर रही है, देश की सुरक्षा के लिए काम कर रही है, माओवादियों से लड़ रही है, नक्सलवादियों से लड़ रही है, और आज से नहीं कितने सालों से लड़ रही है, और कितने लोग शहीद हुए हैं, और आज बाहर से इंसर्जेंसी हो रही है, और वहाँ पे आप उन लोगों के ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं जिसको भारत सरकार ने पूरी तरह नकार दिया, यूनाइटेड नेशंस, यूएसए के रिपोर्ट्स, वो उनके बारे में, आप अगर आप दोनों को इशू क्या है, ह्यूमन राइट्स, टेररिस्ट के ह्यूमन राइट्स और भारतीय सेना के एक्शन, इन दो को ही तो कंपेयर कर रहे हैं, उसमें अगर आप भारतीय सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं और टेररिस्ट और अलगाववादियों के ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं तो अपने आप समझ जाइए, जदेज समझ जाता है, हर जनता समझ जा रही है कि यह इस वक्त इलेक्शन के पहले ये मुद्दा क्यों लेके आए हैं, क्यों, क्योंकि इनको लग रहा है कि जो आतंकवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी ने मजबूत लड़ाई लड़ना शुरू किया है, जो पाकिस्तान को मजबूत संदेश दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन गोपाल कृष्ण जी, गोपाल कृष्ण जी, और विश्व पटल पे, ठीक है सर, यह कमजोर करने की प्रक्रिया है, ऑलराइट सर, अब वह जनता तय करेगी कि यह जानबूझ के कर रहे हैं या मूर्खता के कारण कर रहे हैं, ऑलराइट सर, गोपाल कृष्ण जी, ये जनता तय करेगी कि ये सेल्फ गोल किया कांग्रेस ने या नहीं किया है, उस पर हम समीक्षा करेंगे आगे, लेकिन मुझे एक बात बताइए सर, बीजेपी, आप हमेशा से हम देखते आए हैं कि बीजेपी ने शुरुआत से, जब से सरकार की शुरुआत हुई थी और तब से पौने पांच साल तक जो रिपोर्ट कार्ड अपना जब दिया था उसमें तमाम तरह के विकास के वादे थे, उसमें जीडीपी की बात थी, उसमें इकोनॉमिक्स की बात थी, उसमें किसानों की बात थी, उसमें बेरोजगारों की बात थी, अब बीजेपी एन चुनाव के मौके पर ये सारी उपलब्धियां छोड़कर राष्ट्रवाद, 370, कश्मीर, देशद्रोह, इन जैसे मुद्दों पर क्यों शिफ्ट हो गई है सर? देखिए हम नहीं शिफ्ट हुए, नरेशन का जवाब दे रहे हैं हम, अगर आज कांग्रेस ये मैनिफेस्टो में ये सेडिशन वाला लॉ और जेल और बेल की बात ना लेके आती, आपसा का रिव्यू के लिए नहीं लाती, कश्मीर की समस्या पे अपना ओपिनियन चेंज करने की बात अपने मैनिफेस्टो में नहीं लाती तो हम कहाँ चर्चा करने वाले थे, ये चर्चा तो वो कर रहे हैं, इसका मतलब स्पष्ट है। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन हमारी सेना की बहादुरी पे, बालाकोट में कितने लोग मरे, ये क्वेश्चन किसने किया? अपोजिशन लीडर्स ने किया, हमने तो कोई उनको नहीं कहा कि, लेकिन सर छोड़ दीजिए ना, हम तो कह सर, इसको छोड़ देते हैं जनता के ऊपर, सर जनता समझदार है, जनता देख लेगी आमी पर कांग्रेस का क्या रुख है वो देख लेगी, बट आप लोग बार बार हर रैली में, क्योंकि मैंने किसी रैली में देखा नहीं, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा नहीं जिसमें आप ग्रोथ की, विकास की, सरकार की उपलब्धियों की बात कर रहे हो। नहीं दीपक जी, हम पिछले 4.5 साल तक इन्हीं की बात कर रहे थे, हम कह रहे थे 34 करोड़ हमने शौचालय अकाउंट खोले, 9 करोड़ शौचालय बनाए, 6 करोड़ गैस कनेक्शन दिए, 1.5 करोड़ लो कॉस्ट हाउसिंग में मकान दिए, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में इन्फ्लेशन 3% पे ले आए, फिस्कल डेफिसिट, हम तो यही बातें कर रहे थे। कांग्रेस जब एक पुलवामा जैसा विभत्सकारी आतंकवादी हमला हुआ उसके पहले एक डिसीजिव डिसीजन हमारे प्रधानमंत्री ने लिया, बालाकोट में उनके ध्वस्त कर दिया, उनके अंदर जाके हमारी सेना ने, एयरफोर्स ने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया, इतना बहादुरी का काम किया कि जिसको विश्व तारीफ कर रहा था, और उसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन शुरू कर दिए, तो सारी चर्चा को तो डीरेल इतने, और हम क्यों नहीं करेंगे, हमारा राष्ट्रवाद हमारा आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, हम भारतीय जनता पार्टी का वजूद उसमें मानते हैं कि हम भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो अगर कोई उस पर चर्चा करेगा या उस पर टक्कर मारेगा, उसको ठेस पहुंचाएगा, तो हम उससे लड़ने के लिए भी तैयार हैं। राजीव रंजन, यह जो इलेक्शन है, ठीक है अग्रवाल जी, इलेक्शन ही युद्ध होता है आपको, नहीं अब्दुल, अब्दुल बिल्कुल इलेक्शन से ही बदला, वोट से ही बदला लिया जाता ओके, है ओके, प्रजातंत्र में। हाँ देखिए, जिस दिन हमला हुआ उस दिन से लेकर जब तक क्रियाक्रम नहीं हुआ, देश का हर बच्चा रोया था, देश के हर घर में मातम था, दुख का विषय था, लेकिन जो हमला पाकिस्तान पर हमने किया उससे पाकिस्तान में कोई नहीं रोया। हमारी तो दुविधा वो है कि पाकिस्तान रोए, पाकिस्तान की गली गली खून की गलियां बने, हम तो मोदी जी से वो इच्छा रखे थे
ये रेंजा कर मार करा कर मिच्छा जी 350 बता रहे हैं, अहलुवालिया जी जीरो बता रहे, अरे खुशी गम की बात छोड़िए, देशभक्ति की बात कीजिए। मेरे देश पर हमला हुआ, मेरे देश में किसी के घर में खाना नहीं पका, कोई खाना नहीं बनाया उस दिन, सब लोगों के घर में दुख था। बताइए पाकिस्तान में कौन रोया, पाकिस्तान में कौन रोया, अब्दुल भाई पाकिस्तान में दुख क्यों नहीं मनाया गया, अब्दुल भाई मातम क्यों नहीं, पाकिस्तान का पुलवामा का जवाब तो सेना देती है ना सर, वो अभिनंदन पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट तो देता ही है लेकिन फ्रंट पे तो सेना लड़ती है ना, और अगर सेना के अधिकारों को आप कम करने की बात करेंगे तो सवाल तो आप उठेंगे। जब योगी आदित्यनाथ जैसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आकर ये बोले मोदी की सेना, मोदी की सेना, अरे इन लोगों के स्टेटमेंट देखिए, येडियुरप्पा का स्टेटमेंट देखिए, 24 सीट जीत लेंगे जो बालाकोट का हमला हुआ, अरे ये लोग सेना के ऊपर आज दुर्भाग्य ये है कि ये सेना के जो पाकिस्तान के हमले पर आज चुनाव जिसको आप सर स्टेटमेंट्स अगर मैं कांग्रेस के नेताओं के यहाँ पर दोहराने लग जाऊं सर तो फिर आपका ही शर्म सर जो है वो झुक जाएगा शर्म से, छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, रहने देते हैं। राजीव रंजन मरने की बात ठीक है राजीव रंजन कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के पास कांग्रेस की न्याय योजना की कोई काट नहीं है और 72,000 के जो वादा किया है उसकी कोई काट नहीं है बीजेपी और एनडीए के पास, इसलिए ये नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की गई है, ये आरोप लगा रही है कांग्रेस। क्या जवाब है आपके पास? ये नैरेटिव हमने नहीं सेट किया, ये कांग्रेस। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, अभी इन्हीं से बात कर लीजिए। नहीं सर, अभी मैं आपसे मैंने सवाल पूछा है राजीव रंजन जी। देखिए सबसे पहले कांग्रेस का जो इतिहास है, गरीबी को लेकर के कांग्रेस ने देश का जिस तरह से भावनात्मक शोषण किया है, देश को ब्लैकमेल किया, 1971 में इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी नहीं हटी, कांग्रेस के नेताओं की अमीरी बढ़ती चली गई, और जिस तरह से 2005 में एक बड़ा वायदा किया उसका सीधे तौर पर गरीबी हटाने से मतलब नहीं था लेकिन कहीं ना कहीं रोशनी लाने से था कि हर घर को वो रोशनी देंगे, 2009 तक का लक्ष्य उन्होंने रखा, और जिस समय 2014 में सत्ता से उनकी विदाई हुई 18,000 गांव में बिजली नहीं पहुंची थी। तो कांग्रेस के इन वायदों पर देश को यकीन नहीं है। आज जो न्याय की बात वो कर रहे हैं, जिन तबकों के न्याय के लिए उन्होंने एक महत्वाकांक्षी तथाकथित महत्वाकांक्षी योजना की बात की है, उसके लिए कोई सोच स्पष्ट नहीं है कि देश पर एक बड़ा देश के खजाने पर एक भार डालने के लिए क्या क्या स्रोत होंगे उनके पास ये पैसे लाने के लिए। उन्होंने मुक्त हस्त से स्वास्थ्य को 6% जीडीपी का देंगे, 3% एजुकेशन को देंगे, पैसे कहां से लाएंगे, देश के खजाने में कितना पैसा है? मुझे लगता है उनके पास अर्थशास्त्रियों की एक बड़ी भीड़ है और कई राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक साल से हम इस पर काम कर रहे थे इंटरनेशनल अर्थशास्त्रियों से हमने सलाह मशविरा किया और उसके बाद हम ये विजन लेकर सामने आए हैं जो कि हमारा एक फ्यूचरिस्टिक विजन है। अगर कोई दूरदर्शिता की बात करने की दावे कर रहा है तो उसमें गलत क्या है सर? ये तो जनता तय करेगी बाद में, सरकार आने से पहले तो तमाम पार्टियां वादा करती है। जनता ने तो तय करने का मन बना लिया है, ऐसे वायदों पर यकीन करके जनता फिर से 50 वर्षों का शासन देख चुकी है और फिर इनके खाते में 5 साल डालने वाली नहीं है। अगर इनके पास ऐसी कोई सूझबूझ वाली योजना थी तो अभी तुरंत 10 वर्ष लगातार इनके पास सत्ता में थे, और सत्ता के इन 10 वर्षों में गरीबी हटाने के लिए इन्होंने क्या किया ये देश की जनता जानती है। मुझे आप 60 सेकंड वक्त दीजिएगा, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, असपा को लेकर के अफसा को लेकर के जो भी बातें कही हैं इन्हें मनमोहन सरकार का को मैं एक बार इनको याद दिला देना चाहूंगा, जस्टिस जीवन रेड्डी की अनुशंसाएं क्या थी, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दिए थे वो अफसा को रिपील करने या उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने के संबंध में थे, लेकिन ठंडे बस्ते में ये लगातार डालते रहे। आज इनकी ओर से कुछ बातें कही गई हैं, सबसे पहले सेडिसन लॉ को लेकर के इन्हें 2012 के असीम त्रिवेदी को याद कर लेना चाहिए कि किस तरह से कार्टूनिस्ट को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उपयोग करने की जो सजा दी गई पूरी दुनिया में भारत शर्मसार हुआ। ये जो कहानियां गढ़ना चाहते हैं ये अफसा पर किसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को
ये साबित करना चाहते हैं कि इन्होंने गलती की, लेकिन देश को याद है कि त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स और त्रिपुरा उपजाति युवा समिति ने जिस तरह से त्रिपुरा में आतंकवाद को, उग्रवाद को बढ़ाया और पूरे देश की संप्रभुता को उन्होंने चुनौती दी। उस दौर से देश बाहर निकला, त्रिपुरा में शांति के हालात बने और ये पहले इनको कांग्रेस की सरकारों को ये करना चाहिए था। तो केवल आज भी अरुणाचल के तीन जिलों से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को रिपील किया गया है, आज भी किया गया है, बिल्कुल। ऑलराइट मेजर जनरल दयाल सर, जहां स्थितियां सामान्य होगी वहां जरूर किया जाना चाहिए। हाँ जनरल दयाल, जनरल दयाल आप देख रहे हैं कि दोनों पक्षों को हम देख रहे हैं एक तरह से फिर सियासी अखाड़े में, दुर्भाग्य से एक बार फिर सेना आ चुकी है जिस पर हम दुर्भाग्य के अलावा हम कुछ कह नहीं सकते हैं। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर का एक्ट एक बार फिर से सिर उठाने लगा है। बीजेपी के लीडर्स कह रहे हैं मोदी जी की सेना, उसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत भी हुई है। ये जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बार बार जो सेना को ले आया जाता है और आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का समीक्षा करने का जो कांग्रेस का जो वादा है, उसे आप किस नजरिए से देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से देशवासियों को बताना चाहता हूं कि आज अगर किसी को सबसे पहली बार 70 साल में किसी को डर होगा तो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सेना की ISI जो भारत के खिलाफ साजिश करती है उसको होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन से पहले कुछ समय गुजारा है, कुछ आर्मी ऑफिसर्स को हायर किया है, उससे समीक्षा कराई है, जो उन्होंने रिकमेंडेशन दिए हैं, मुझे नहीं पता क्या दिए, मुझे नहीं मालूम कांग्रेस की क्या विचारधारा है, लेकिन जो इस अखबार में आया है उन चीजों के आज चिंतित होगा पाकिस्तान की, जो देश एक मिनट में बजट पास कर देता है, पिछले पांच में 70 कम से कम जो इलेक्शन आए, जो आपके बजट हुए हैं, सेना के ऊपर एक मिनट से बात नहीं हुई है। एक पार्टी ने रखा है कि हम CDS देंगे, बड़ी खुशी की बात है, पूरी सेना चाहती है, कारगिल युद्ध के बाद चाहते हैं कि हमारा CDS होना चाहिए, गलियारों में भटक गया, कितनी खुशी की बात है, पाकिस्तान को आज डर लगेगा। दूसरी बात, जो कांग्रेस ने अगर ये तीन चीजें कही हैं तो क्या भारतीय सेना को तो खुशी होनी चाहिए? हम पे इल्जाम लगते हैं क्या? हम अपने कश्मीर से अपने लोगों को वहां से कहीं लापता कर रहे हैं क्या? भारतीय सेना वहां रेप करने गई है क्या? भारतीय सेना वहां टॉर्चर करती है? ये कांग्रेस का जो स्पोक्स पर्सन है, मैं इस पे धिक्कारता हूं, जिसने बोला कि हम फलानी ये UN हमारी सेना कोई अत्याचार नहीं करती, हमें सबसे खुशी है, ये तीनों चीजें निकाल दो। हम कश्मीर के अंदर शांति बहाल करने गए, उग्रवाद को खत्म करने गए, टेररिज्म को एलिमिनेट करने गए, और उसकी आड़ में ISI, उसकी आड़ में उग्रवादी, उसकी आड़ में हमारे कुछ सिटीजन को वहां से लापता कर देते हैं। सेना पर इल्जाम आता है क्योंकि अगर, अरे चोर को डर होता है, भारतीय सेना को डर नहीं है इन चीजों का। मैं समझता हूं किसी भी भारतीय सैनिक को इन तीन मुद्दों से हटाने में कोई, हमारा आर्मी एक्ट 70 बोलता है, रेप, मर्डर और कल्पिसाइड, होमोसाइड, उस पर हमारी सेना भी उस पर कहती है कि जो मर्जी करो हमारे जवान के साथ। हम वहां इस काम के लिए नहीं गए, ये तो हमें दुर्भाग्य है कि जो कुछ अच्छा हमारे लिए कुछ अगर सोचा जाए तो पॉलिटिकल गलियारों में वोट जीतनी है, शब्दों का जोर है, किसके पास मीडिया है, किसके पास लोग हैं, किसके पास शोर करने वाले लोग हैं, भटका दो। बड़ा मुद्दा साफ है, मेरी सारी पॉलिटिकल पार्टी से राय है, हाँ घंटा लीजिए, आधा घंटा लीजिए, इलेक्शन से पहले डिक्लेयर कीजिए और फिर देश के इसको लगाइए। नहीं, मैं तीसरी बात पे आऊंगा, रीडिप्लॉयमेंट की बात की है मैंने कल एक आपके चैनल के थ्रू, कहीं रीडिप्लॉयमेंट की बात कर दी, लोगों ने बोला मैं गद्दार हूं, 37 साल भूल गए, और जब मैंने पूछा कौन हो तो मैं बताऊंगा आपके चैनल पे वो कौन थे, उन्होंने क्या बोला, मुझे गद्दार बोलने लग गए वो, मेरे पे भी सेडिशन लगा दो, मैं भी देश द्रोही हूं पाकिस्तान के साथ में, लेकिन रीडिप्लॉयमेंट जरूरी है। पिछले 30 साल से हमारे ग्रिड पाकिस्तान को पता है, ISI को पता है, जम्मू एंड कश्मीर में हर नागरिक को पता है, हमारी कहां पोस्ट से, इसकी एक बहुत समीक्षा की जरूरत है सरप्राइज क्रिएट करने के लिए। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं जो अखबारों में आ रहा है कि वो हुड्डा साहब इन्होंने हायर किए थे, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए, इस पर सीरियस चर्चा होनी चाहिए। हमें आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के, जिसके तहत
हम उग्रवाद को खत्म करते हैं, उग्रवादी को फायर करते हैं, उस पर हमें पिछले चार साल में भी हमारे ऊपर FIR हुई है। हमारे सैनिकों ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके उसके फादर ने मुकदमा दायर किया। हम नहीं घबराते, सेना नहीं घबराती। सर, इस पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, सेना पर झूठे इल्जाम लगते हैं और ISI लगवाते हैं। बट सर, इस कांग्रेस के तो मैंने कांग्रेस देखो, मैं कांग्रेस के स्टैंड के बाद पापी वोट का सवाल है, किसी ना किसी तरह लेंगे। हाँ, कांग्रेस के इस स्टैंड के बाद, कांग्रेस के इस वादे के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ PDP जैसे जो सियासी दल है कश्मीर में, उन्होंने इसका स्वागत किया है। सर, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल ये किस तरह से कनेक्ट हो रहा है, आगे ये मैसेज आगे क्या बढ़ रहा है। एक मिनट देखिए, करने देखिए देखिए मेरी बात सुनिए। हमने तो 3.5 साल वो भी बर्दाश्त किए जब महबूबा ने इस देश के सामने ओपनली सेडिशन किया, ओपनली उस बुरान वाली को मार्टर बताया, ओपनली वहां पे उग्रवाद फैलाया और हम सारे हाथ बांधे बैठे थे और हमारी सेना फिर भी उग्रवादियों को मारती रही। ये सेना क्या कर सकती है इस पे? उमर अब्दुल्ला भाई ने बोला ना, इलेक्शन का माहौल है, उमर अब्दुल्ला भी वोट लेगा, महबूबा भी वोट लेगी, आप बोलोगे जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड कर दो, 3 रीजन बना दो, आप भी वोट लीजिए। सब साहब वो एक स्टेट है, उसको जैसे हम कई बार कहते थे पहले जब यंग थे पंजाब में, मैं आज भी कहता हूं अगर पंजाब हरियाणा, मैं हरियाणा से हूं, हमारी बहुत तरक्की हुई आजादी के बाद, लेकिन पंजाब हरियाणा और हिमाचल नहीं टूटते, एक स्टेट होता कभी उग्रवाद नहीं होता। आप समझते नहीं हो, हम लोग बहुत कुछ समझते हैं। All right, sir, पूरा All right. देश प्रोफेसर रागी माहौल कर रखा yes, है, वोट बटोर लो किसी भी तरह। उसमें अगर आपको जनरल विशंबर बताओ, आप मुझे ये सारे बताएं, मैं एक जनरल कहां जाऊं? उन लोगों से पूछा भाई मेरे पे FIR, right, सर। मैंने बोला भाई मैं कहो तो मैं तुम्हारे साथ, मेरे साथ चलो, अपने नाम बता दो, बताओ हम कहां जाएं? देश में गलियारों में ISI खुशी मना रही है, ये देश खुद ही बट रहा है। करोड़ों रुपए खर्चते थे यहाँ उग्रवाद, वो करोड़ों रुपए खर्चते थे यहाँ जनरल दयाल मैं आऊंगा सर आपके पास प्रोफेसर संगीत रागी। लेकिन कहा यह जा रहा है, देखिए एक जो चीज समझ में आ रही है इस पूरे मसले के बाद से, वो ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस सिर्फ कश्मीर नीति पर बात नहीं कर रही है, वहां पर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की बात नहीं कर रही है, वहां पर रक्षा नीति पर बात नहीं कर रही है, बल्कि वो पूरे देश में अल्पसंख्यकों को एक मैसेज भी देना चाहती है, भले ही उसमें कंफ्यूजन हो लेकिन मैसेज देना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी बार बार इस मुद्दे को सियासी गलियारों में उछाल के, बजाय कि कांग्रेस ने जो रोजगार का मसला, न्याय का मसला उछाला है, वो बार बार हिंदू आतंकवाद, वो बार बार कश्मीर, वो बार बार देशद्रोह, इसको लाकर अल्प बहुसंख्यक समुदाय को भी एक मैसेज देना चाहती है। तो इसे क्यों ना माना जाए कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने वोट पोलराइजेशन के लिए पॉलिटिक्स कर रही है। देखिए, पहली बात तो कि आपके प्रश्न से ही ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो आसपा का मुद्दा उठाया है और कश्मीर का जो मुद्दा उठाया है वो सिर्फ वोट के लिए उठाया है और अल्पसंख्यकों के वोट के लिए उठाया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप भी है कि क्या अल्पसंख्यक इस देश के विरोधी है क्या। दूसरी बात, जो जनरल विशंबर दयाल जी ने कहा है, मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उनकी बातों में एक अद्भुत कंट्राडिक्शन है, अंतर विरोध है। वो अंतर विरोध, एक तरफ वो कहते हैं कि भारतीय सेना ऐसा कुछ नहीं करती है, वाकई ऐसा कुछ नहीं करती है, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि जनरल हुडा के संभवतः रिकमेंडेशन के बाद इस प्रकार का सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन कांग्रेस पार्टी ने लाया है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि 2016 के जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ऐसी कोई बात नहीं रह जाती है जिसे आसपा को प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा अल्टर करने की जरूरत है या उसे रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि जो जो ऐसे पैमाने थे जो ह्यूमन राइट्स के मुद्दे उठ रहे थे वो सारे के सारे एड्रेस मुद्दे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एड्रेस कर दिया है। और वाकई सेना, जैसा कि विशंबर दयाल जी कहते हैं, वाकई सेना ने इस मामले में बहुत कठोरता से काम किया है, चाहे वो मणिपुर का हो या कश्मीर के मामले हो। इससे अगली एक बात मैं बताना चाहता हूं कि देखिए आसपा का विरोध कौन कर रहा था,
इस देश की जितनी वामपंथी पार्टियां थी वो विरोध कर रही थी, कश्मीर के सेपरेटिस्ट थे वो इसका विरोध कर रहे थे, मणिपुर के सेपरेटिस्ट थे वो इसका विरोध कर रहे थे। तो ये जो डॉक्ट्रिन है इसमें इसको कहने में कोई दो राय नहीं है कि ये सीधे सीधे इन लोगों के एनजीओ के और वामपंथी एनजीओ के और वे ताकतें जो वहां पर पाकिस्तान के लोग काम कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, वे ताकतें इसके विरोध में खड़ी थी। अब जाकर कि यदि उनको इससे आजादी मिल जाती है, यदि इस सुन लीजिए, यदि आजादी मिल जाती है तो उस स्थिति में कश्मीर को आप उस तरीके से हैंडल नहीं कर सकते हैं। विशंबर जी भी बार बार कहते हैं कि कश्मीर में हम युद्ध लड़ रहे हैं, तो युद्ध लड़ने के लिए स्पेशल पावर एक्ट जो है आर्म फोर्सेज, आपको पता होगा कि कांग्रेस की पार्टी नहीं 1972 में इसे सेंटर के हाथों में लाया था, पहले ये स्टेट के हाथों में हुआ करता था, लेकिन 1972 के अंदर जो है इसे कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, श्रीमती गांधी जब सत्ता में थी, उस समय यह केंद्र के हाथों में डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करने का अधिकार आया था। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों के बावजूद, 2016 के इंटरप्रिटेशन के बावजूद भी, इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है जनरल दयाल, आप डिस्टर्ब एरिया, आप डिस्टर्ब एरिया के तंगे को सुधारिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। हां, आप डिस्टर्ब एरिया के तंगे को सुधारिए ना, आप आफ्सपा में चेंजेस की बात क्यों कर रहे हैं? भी करती है, आपने देखा होगा कि सेना ने यदि गलती किया है तो उसकी सजा भी सेना ने सुनाई है, इसके बावजूद भी रिएक्शन ले लेते हैं विरोध, प्रोफेसर राजी रिएक्शन ले लेते हैं, सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। मुझे लगता है कि विश्वंबर दयाल जी से कम ये उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। मैं उन्हें गद्दार नहीं कह रहा हूं, देशद्रोही नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपरोक्ष तौर पे कांग्रेस का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मुझे दुखद स्थिति है क्योंकि आप अपनी ही सेना को गलत जगह आप खड़े करने पर। क्विक रिएक्शन सर, मेरे पास समय कम है, क्विक रिएक्शन सर आपका, वो डिस्टर्ब्ड एरिया की स्थिति को सुधारिए ना सर। आज हमने देखा अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों को निकाल दिया गया, उससे आर्म्स फॉर स्पेशल पावर एक्ट में संशोधन की बात क्यों आ रही है? साहब आप गुमराह कर रहे हो और मेरे शब्दों को गुमराह कर रहे हो, और ये सबसे मुझे दुख की बात है। अरे ये जो 3 चीजें निकाल दो, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये भारतीय सेना के जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है उसको कमजोर नहीं करती। ये 3 चीजें जो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में ISI इस्तेमाल करता है। ISI एक आदमी को वहां से जब आप ऑपरेशन करते हैं, 4 आदमी मरे, 2 आदमी लापता कर दिए, वहां ISI फैला देती है और हम उसकी कोई इंक्वायरी नहीं करते। कीजिए, बताइए, क्योंकि सेना ऐसा काम नहीं करती। बिसंबर जी, ऑलरेडी इंक्वायरी का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आ चुका है, फिर इसके बाद ये बात करने का कोई तुक नहीं रह जाता सर। मैं सिर्फ इतना सबमिशन कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट को बहुत कम, साहब आपने सुप्रीम कोर्ट में मेजर त्यागी, मेजर आदित्य के फादर को जो सुप्रीम कोर्ट में झेलना पड़ा शुरू में, हम जानते हैं साहब। लेकिन पार्टी सीरियस हो, इस किस्म से जनरल्स को हायर करें, वो आपको राय देंगे। पाकिस्तान डरेगा, मैं मानता हूं, अगर आप एक घंटा बजट पास करते टाइम, ठीक है सर, थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। ओके जनरल दयाल, थैंक यू। थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं सर, थोड़ा सा विमर्श को शिफ्ट करते हैं, बाकी मुद्दों पर भी चर्चा करनी है। हमारे साथ रमेश खन्ना जी भी हैं। रमेश खन्ना, बाकी चीजें भी हैं। मुझे विशंबर जी, आप ओके सर, ओके साथ शुरू सर, मुझे आगे भी जाना है। दो पैनलिस्ट और हैं हमारे साथ सेना करती है। विथ सॉरी, आई एम मूविंग अहेड सर, ऑल राइट सर, आई विल कम बैक टू यू। रमेश खन्ना, मुझे क्या बात करते हो? रमेश खन्ना, मुझे एक समझाइए, थोड़ा सा अगर शिफ्ट करें, इस पूरे विमर्श को शिफ्ट करें, तो बात आ रही है कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उनकी जो प्रैक्टिकलिटी है उस पर भी आ रहे हैं। उसमें से एक बड़ा वादा जो कारोबारियों से जुड़ा हुआ है इस देश के, जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है इस देश के, वो है GST। राहुल गांधी वादा कर रहे हैं कि हम GST लेकर आएंगे और करों का सरलीकरण कर देंगे या एक कर हम कर देंगे। मुझे बताइए, क्या ये पॉसिबल है सर, और क्या उनके वादे में कोई दूरदर्शिता आपको नजर आती है या सिर्फ चुनावी वादा ही आप इसको भी मानेंगे? सर, मैं एक ही बात कहूंगा, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि जो नया कारोबार शुरू करेगा वो 3 साल तक उसको किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं। माफ कीजिएगा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो कानून भारत की संसद ने पास किए हैं, जो जिन कानूनों को मानकर कोई व्यापारी व्यापार करना शुरू करता है, क्या मात्र किसी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में इस प्रकार की बात कह देने से क्या वो खत्म हो जाएंगे?
क्या कोई व्यक्ति अगर जीएसटी के दायरे में आता है, क्या कोई व्यक्ति फूड सेफ्टी एक्ट के दायरे में आता है, या कोई व्यक्ति ट्रेड लाइसेंस के दायरे में आता है, या वो फूड सेफ्टी एक्ट के दायरे में आता है, तो ये उसको कैसे डिलीट कर देंगे अपने घोषणा पत्र के माध्यम से? केवल वो तीन साल तक वो इजाजत ना ले, वो तो जेल में बंद हो जाएगा। ये तो बड़ी बचकाना बात लिखी है इन्होंने घोषणा पत्र के अंदर। ये तो बच्चों वाली बात है। जो कानून इस देश की संसद ने पास किया है उसको एक राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र के माध्यम से कैसे खत्म कर सकता है? बहुत हास्यास्पद बात है। अब इसके बाद हम बाकी कौन से मुद्दों पर चर्चा करें, मुझे तो लगता नहीं। और जीएसटी पे जो दावा कर रहे हैं कि हम इसका और सरलीकरण कर देंगे, और अरुण जेटली कह रहे हैं कि वो सिंगापुर में हो सकता है कि सिंगापुर का मॉडल वो लेकर करने के लिए, तो देखिए कहना ठीक है, हम तो कहेंगे स्वागत है आपका, करिए सरलीकरण। पर आज देश की स्थिति यह है कि कांग्रेस पर से विश्वास उठ चुका है व्यापारियों का। इन्होंने 2021 का मास्टर प्लान भी लाए, आज 2021 के मास्टर प्लान के बावजूद दिल्ली के अंदर सीलिंग चल रही है, आज सुप्रीम कोर्ट सीलिंग कर रही है, मॉनिटरिंग कमेटी सीलिंग कर रही है। ठीक, आखिर क्यों, कौन जिम्मेवार है इसका? एक दूसरी राजनीतिक दल पर आरोप करने से ये मसला व्यापारियों का तो हल नहीं हो रहा है। ठीक, वो मास्टर प्लान किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। तो आज इसका अर्थ यह है कि उस मास्टर प्लान में इतनी खामियां हैं कि आज दिल्ली का व्यापारी उसी मास्टर प्लान के अंतर्गत प्रताड़ित हो रहा है। रोटी बंद हो रही है। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास, मुझे फटाफट से अनिल आनंद जी के पास जाना है, उस पर कोई काम नहीं हुआ। लास्ट उनके पास जा रहा हूं मैं। अनिल जी ऐसा लग रहा है ये पूरे चुनाव में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा वापस आ गया है। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने इसको जगह दी तो फिर इस पर कई रंग उसके निकले, उन रंगों को लपका बीजेपी ने, और अब हम देख रहे हैं कि चुनावी रैलियों में बीजेपी जमकर इस मुद्दे को भुना रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पीडीपी वापस 370 का मुद्दा ले आई है, एनसी जो है वो वापस सदर रियासत और वजीर आजम का मुद्दा ले आए हैं। क्या आपको लगता है कि ये कश्मीर के इर्द गिर्द ये चुनाव गूंजेगा, और क्या वाकई में ये इश्यूज जो है कश्मीर के इश्यूज इन चुनावों पर हावी रहेंगे? देखिए, बदकिस्मती है, तमाम राजनीतिक दल यही कर रहे हैं। आपने कुछ दलों के नाम गिनाए, कुछ के नहीं गिनाए, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं गिनाए। आज जो कुछ भी एक स्टेज सजा हुआ है सारा कश्मीर को लेकर ही सजा हुआ है, चाहे वो पुलवामा से शुरू हुआ हो, बालाकोट तक गया हो। मुझे ये, मैं कई बार ये कह चुका हूं, आपके कार्यक्रम पे भी कह चुका हूं कि कश्मीर का मसला, जम्मू कश्मीर का मसला अगर हल करना है तो वोटों से मत जोड़िए उसको। वो एक अलग लड़ाई है, उसमें बहुत कोताहियां हुई हैं, उसको लेबोरेटरी है मैं उसको कहता हूं, जिसमें हर आदमी आता है एक अलग तरह का एसिड डाल के एक धमाका करके चला जाता है, उसको वोट से नहीं जोड़ना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा, फिर एक बार लेकिन गलत तरीके से आया कश्मीर का मसला बहस में। आना चाहिए चुनावी बहस में कश्मीर में, कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी कुछ पहले भी कई बात करते हैं, गलत हुआ, कैसे हुआ गलत, इन चीजों पे डिबेट होनी चाहिए। दूसरे दलों को कहना चाहिए कि क्या गलत हमने नहीं किया, आप गलत कह रहे हैं, वो भी आना चाहिए। लेकिन आप किसी और धारा पे, इमोशनल धारा पे ले जा रहे हैं उसको। उसका कुछ सियासी दल जो हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, ये लोग उनका नजायज फायदा उठाएंगे वहां पे। वो इमोशनल बातें अलग तरीके की कर रही हैं, जो उनको लगता है कि वहां धरातल पे सूट करती हैं उनको वोट लेने के लिए। इसलिए इसको थोड़ा सा दरकिनार करना चाहिए था, बड़ा बैलेंस तरीके से जम्मू कश्मीर के मसले को बहस में लाना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हो पा रहा है। और ऊपर से नीचे तक उसको बिल्कुल एक पॉलिटिकल रंग और एक इलेक्टोरल कलर देके जम्मू कश्मीर के मसले को, विवाद को सामने रखा जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि एक बड़ी अजीब सी विडंबना हो गई है कि अगर हम किसी बात कहें तो देशद्रोह हो जाता है। समीक्षा क्यों नहीं होगी? समीक्षा तो होनी चाहिए ना। अगर समीक्षा की किसी ने बात की है तो कोई कानून अगर वहां पे, क्यों अरुणाचल प्रदेश में अभी AFSPA कुछ एरिया से नहीं हटाया गया? तो वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्वागत योग्य है, उन्होंने समीक्षा की होगी। तो ये कोई हमारा डिक्टेटर नहीं, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी हटाने की बात पर, बीजेपी हटाने के बाद पर सवाल नहीं उठा रही है। हो सकता है जब उसकी समीक्षा और कुछ प्रावधानों की समीक्षा की जो बात हो तो विरोधी दल उस वक्त बहुत स्ट्रांग हो। मुझे बात पूरी करने दें दोवाल साहब, एक तो आपने लास्ट में एक दो मिनट का, एक वक्त का मिनट दिया है, पूरी बात तो करने दें। ऑलराइट सर, अगर समीक्षा होती है पार्लियामेंट के अंदर होती है तो हो सकता है विरोधी बेंच, विरोधी खेमा इतना स्ट्रांग हो गया उस समीक्षा को, उनके फेल हो जाए सरकार की उस बात, उस पे उस बात तक तो आने दीजिए, वहां तक तो डिबेट होने दीजिए।
क्या होगा क्या नहीं होगा तो वो तो उस वक्त की सरकार, उस वक्त की अपोजिशन, उस वक्त की पार्लियामेंट तय करेगी। थोड़ा सा टॉलरेंस हमको रखना चाहिए, ठीक है, मैनिफेस्टोस को डिबेट करना चाहिए पॉजिटिव लाइट में ला करके। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई ऐसे वादे शामिल हैं जिन पर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पार्टी के बड़े नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र कुछ और नहीं बल्कि देशद्रोहियों का मनोबल बढ़ाने वाला है। चलिए अब शुरुआत करते हैं वापस चर्चा की, और इस बार मैं थोड़ा थोड़ा कम समय लूंगा सभी गेस्ट से। जनरल दयाल, मैं सर आपके पास आऊंगा, आप बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, बट थोड़ा सर फर्स्ट रिएक्शन मुझे लेना पड़ेगा गोपाल जी से, बहुत देर से वो हाथ खड़ा कर रहे हैं। गोपाल जी, अरुण जेटली कह रहे हैं कि बाहर से अच्छी दिख रहे हैं कांग्रेस के वादे, लेकिन तह तक जाने में ये पता लगता है कि देश के लिए कितना खतरनाक है। सर कैसे कैसे बीजेपी कह सकती है कि ये घोषणा पत्र देश के लिए, समाज के लिए खतरनाक है, देश तोड़ने की मंशा रखता है? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, आपने भी कहा कि यह अलगाववादी ताकतों को कहीं ना कहीं हवा दे रहा है, उन्हें सपोर्ट कर रहा है। सेडिशन लॉ के अगेंस्ट कौन है? वह वही है जो टुकड़े टुकड़े गैंग है जेएनयू में, ये कहते हैं आजादी आजादी कश्मीर की आजादी, वह लोग हैं उनके पास, राहुल गांधी जाते हैं उनके पास, उनको सपोर्ट कर दे, और अब ये बात कर रहे हैं कि हम सेडिशन लॉ हटा देंगे, बेल की बात करते, आपसा में भी बात करते। मैं कश्मीर पे बात आपकी बहुत चल रही थी, उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि एनसी जो है वो क्या कह रही है, 1953 को जो कानून बदल गए, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं रहेंगे, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान जिसके बाद हुआ और देश में बदलाव आया, उसके पीछे कह रहे हैं कि नहीं, 1953 के बैक क्लॉक को बैक ले जाएंगे, और कांग्रेस उसके साथ मिलके चुनाव लड़ रही है। बट तो यह सब बात उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जब वो एनडीए में भी शामिल थे तब भी उनका एजेंडा यही था। एक सेकंड और, 10 सेकंड और दीजिए। 35A एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के थ्रू देश के अंदर ले आए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया। आप ये संविधान की बातें करते हैं, आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सबके साथ लेके चलने की बात करते हैं संविधान, अरे 35A का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है, और आप प्रेसिडेंशियल नॉमिने उससे ले आए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से, और आप उसने देश में बदलाव का इतना बड़ा बयार कश्मीर में खड़ा किया, और आप उसके लिए जिम्मेदारी नहीं ले रहे? ओके, कौन जिम्मेदार है 35A? लेकिन सर सवाल फिर आपके भी उठते हैं, 5 साल आपने बोला 370-35 से, आपने भी कुछ नहीं बोला, पीडीपी के साथ आपने भी गवर्नमेंट चलाई, और एनसी तो ये आरोप लगा रही है कि जब हम एनडीए में शामिल थे तो हमारा यही, हमारे घोषणा पत्र में ये शामिल था, उस वक्त एनडीए ने कुछ नहीं किया। सवाल तो आपके भी उठेंगे। हाँ, तो अमित भाई जी ने आज अब बताया है कि हमने पीडीपी के साथ गठबंधन क्यों तोड़ा, हमने आपसा के डाइल्यूशन के ऊपर अपना वहां पे जो हमारी सत्ता में भागीदारी थी उसको छोड़ दिया। अब्दुल, हमने एक स्टैंड क्लियर है। अब्दुल, आप सेडिशन चेंज करने को तैयार हो, जबकि कांग्रेस के जमाने में हमने देखा असीम त्रिवेदी या कुडनकुलम का मसला हो, वहां पर हमने देखा इतने ज्यादा सेडिशन के चार्जेस नहीं लगाए गए किसी पर, जितने 8,000 से ज्यादा लोगों पर लगाए थे, उस समय आपको सेडिशन चार्जेस हटाने का या उस कानून को हटाने का याद नहीं आई। कश्मीर पर आप बात करते हो, कश्मीरी पंडितों को कहीं जगह नहीं देते हो आप, मानवाधिकारों की बात करते हैं। दीपक जी, सेक्शन 124A पिछले 5 वर्षों में 300 लोगों पर जारी किया गया, उसमें से सिर्फ एक कन्विक्शन रहा है। आप बताइए 300 लोगों पर आप ये केस सर 2012 में तमिलनाडु सरकार ने 8,000 लोगों पे किया था। सरकार दुरुपयोग कर रही है कहीं ना कहीं, 8,000 मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया इस सेडिशन चार्जेस का, तो एक बात। दूसरी बात, आप जो पूछ रहे हैं कश्मीर के मुद्दे पर, अरे इलेक्शन के इतने करीब आप कितने लोगों को उसके डर के मारे रुके हैं, जो अलगाववादियों को जो डर है वो सेडिशन से ही तो है। कोई पाकिस्तान की जीत पर ताली बजा दिया, खुले सड़कों पे नारे लगाएंगे, पाकिस्तान की जीत पर ताली बजा दिया, करने की बातें करेंगे थिएटर में, सेडिशन लॉ से ही आपके कन्हैया कुमार। सर कश्मीरी पंडितों का जिक्र तो कर देते कहीं पर, तो उसको सेडिशन चार्ज घोषणा पत्र में। कन्हैया कुमार पर आपको 900 दिन लगे चार्जशीट फाइल करने, चुनावी फायदे के लिए 900 दिन ले लिए चार्जशीट। सवाल का जवाब आरोप नहीं होता है सर, अब्दुल भाई सवाल का जवाब आरोप नहीं होता है, सवाल का जवाब एक जवाब होता है जो आप दे नहीं पा रहे हैं। बहलाल, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सीधा सीधी जवाब दे रहा हूँ दीपक जी, 124A का दुरुपयोग हुआ है, इसको निकालना जरूरी है, ये ब्रिटिश एरा का लॉ है, इसको आज भी पकड़ के हर सरकार क्यों नहीं जिक्र किया, हर सरकार का दुरुपयोग कर रही है।
अरे पंडितों पर आपका क्या वादा था? आप आपकी सरकार का वादा क्या था कश्मीरी पंडितों को? आप पूरा नहीं कर पाए पंडित को क्या कर रहे हो आप? पूरा नहीं कर पाए ओके ओके मुझे आगे बढ़ो। कश्मीरी पंडितों को राजीव रंजन क्विक रिएक्शन आपका जाने की बात आपने की थी सर। ये नैरेटिव किस तरफ ले जा रही है बीजेपी सर? विकास की तरफ ले जाएगी या राष्ट्रभक्ति की तरफ ले जाएगी, राष्ट्रवाद की तरफ ले जाएगी सर, या विकास का भी कहीं जिक्र करेंगे आप लोग? देखिए भारतीय जनता पार्टी इस नैरेटिव को लेकर के अपना स्टैंड साफ कर चुकी है। जहां तक एनडीए का सवाल है, हमारा ये मानना है बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण है। हम विकास का वायदा करते हैं, विकास हमने किया है, और राष्ट्रीय सुरक्षा एक अहम सवाल है। पूरे दुनिया में अगर हमारी एक वैश्विक हमारी जो पहचान है, जो हमारा प्रभुत्व तो जिस तरह से बढ़ा है, हमारी डिप्लोमेसी की जो एक नई धार को दुनिया ने महसूस किया है, ये बरकरार रहे और इस धारा को हम आगे बढ़ा सकें, इसी रास्ते पर देश को ले जाना है, और इस पर कहीं कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। और बाकी सवालों पर जहां जो स्टैंड है, आपके पास समय कम है, इसलिए मैं बाकी पैनलिस्ट के लिए मैं चाहूंगा कि जनरल दयाल सर, आप बहुत देर से हाथ खड़ा करते, आपका रिएक्शन सर संक्षेप में सर। मेरे छोटे भाई ने कहा मैं कांग्रेस में चला गया, थोड़े दिन पहले लोग कहते थे मैं बीजेपी में हूं। देखिए मैं वही हूं जहां खड़ा था, और मैं मजबूत भारत का एक मजबूत नागरिक हूं, और मजबूत भारत को कोई नहीं तोड़ सकता। ये जो पिछले 4-5 साल में सड़कों पर नारे लगा रहे हो, मेरे भाई इनको बंद करवाओ, और देश बहुत मजबूत है, सारे देश को इकट्ठा करो और फिर इलेक्शन लड़ो। जो जिसकी वोट डालता है डालने दो, जो जिसको करता है करने दो। कश्मीर को जैसे वो पत्रकार भाई ने बताया, कश्मीर को उस मुद्दे को भारत का मुद्दा है, पार्टियों का मुद्दा मत बनाओ। अगर पार्टियों का मुद्दा बनाओगे, मैंने पहले भी बोला था, भारत की हार होगी, आपकी पार्टी जीतेगी। मैं वही खड़ा हूं जब महबूबा को क्रिटिसाइज कर रहा था, मैं वही खड़ा हूं जब मुझे कांग्रेस कह रही थी मैं आपके पाले में हूं, सभी पात्रा भाई कह रहे थे भाई हमारे साथ है, आप बताइए कहां है। हम लोग वही खड़े हैं, हम भारत की बात करते हैं, और ये भारत के हक में है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज खुल के सेना के लिए डिबेट करें। आपको हमारे एक मिलिट्री अथॉरिटी को सीडीएस देना चाहिए था 5 साल में, आपने नहीं किया। अगर कांग्रेस भी नहीं देगी, उसे भी ऐसे क्रिटिसाइज करेंगे। ये भाई जिसने कहा यूएन में कांग्रेस की, मैंने इसका क्रिटिसिज्म किया है, यदि बोलेगा मैं तो बीजेपी का हूं। सर पॉइंट टेकन प्रोफेसर संगीत, कहना बंद कीजिए, ये बहुत प्रोफेसर संगीत सर क्विक रिएक्शन। ऑलराइट जनरल दयाल, थैंक यू, गिनोना खेल खेल रहे हो जी। प्रोफेसर संगीत देखिए सर थोड़ा संक्षेप, इस बात से बिल्कुल ही सहमत नहीं हूं, और मुझे हैरानी होती है कि लोग कहते हैं कि कश्मीर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कश्मीर पर बात करना क्या गंदी बात है? मुझे लगता है कश्मीर पर खुली तौर पे बातचीत देश में होनी चाहिए। बीजेपी ने क्या गलतियां की है वो भी देश को जानना चाहिए, और कांग्रेस आज फिर से यदि 1953 के इतिहास की तरफ लौटने के लिए सिर्फ सत्ता के लिए और राजनीति के तौर पर कर रही है, तो इससे बड़ा अवसरवादिता की कोई राजनीति हो नहीं सकती है। मुझे लगता है कि 70 साल में यदि हम कश्मीर को अपने साथ नहीं जोड़ रहे हैं, तो 370 और 35A पर पूरे देश को साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन इस दोनों पर राजनीति जो कर रहे हैं, जो प्रोफेसर साहब, ये सबसे बड़ा माफी के साथ इंटरप्ट कर रहा हूं। रमेश जी आपका रिएक्शन सर, क्विक रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन सर। देखिए मैं तो भारत के व्यापारियों को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो दिया है, इस व्यापारियों की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन इस मैनिफेस्टो के अंदर इन्होंने छोटे व्यापारियों के लिए कोई भी ऐसा प्रावधान घोषित नहीं किया कि जिससे व्यापारियों को ये लगे कि ये भी व्यापारियों के उद्धार के लिए कोई काम कर सकते हैं। व्यापार के लिए कोई ऐसी नीति इन्होंने इसके अंदर स्पष्टता से नहीं बताई कि जिससे छोटा व्यापारी भी तरक्की कर सके। मैं तो खुले तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि आपको व्यापारियों के हित में इस मैनिफेस्टो में कुछ 4 बातें लिखनी चाहिए थी। अनिल जी इस पूरे मसले पर कश्मीरी कहां खड़ा पा रहा है आपको? एक आम कश्मीरी कहां खड़ा पा रहा है आपको? देखिए जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में, तो हर वक्त ऐसा क्राइसिस पैदा हो जाता है जब चुनाव आते हैं। मैं सिर्फ एक लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि समय नहीं है, डिबेट इधर उधर भटक गई, कुछ चीजों पर अच्छी डिबेट हो सकती थी। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियां, खासकर जो भी पार्टी जब भी रूलिंग में हो, खास जैसे आज की एक रूलिंग पार्टी है, अपनी कमजोरियों को, अपने फेल्यूर्स को छुपाने के लिए आर्म्ड फोर्सेस को ढाल मत बनाएं।
ये बहुत खतरनाक खेल है, इससे बचे। मैं केवल इतनी ही प्रार्थना करना चाहता हूँ। इसी नोट पर फिलहाल हम कड़क सवाल की ओर बढ़ते हैं। अपने देश की जनता से हमने पूछा था, अपने व्यूअर से, क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र देशद्रोहियों का मल वाकई में बढ़ाने वाला है जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? इसका रिएक्शन देख लेते हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका क्या कहना है। 83% कहते हैं हाँ, इससे मनोबल बढ़ेगा। जिस तरह का घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है और जिस तरह से बीजेपी ने उसको काउंटर अटैक किया है, जाहिर सी बात है हाँ जो कहने वाले लोग हैं उनकी तादाद ज्यादा है। 83% लोग कहते हैं हाँ मनोबल बढ़ेगा देशद्रोहियों का, 17% लोग मानते हैं नहीं बढ़ेगा। तो ये था आज के कड़क सवाल का जवाब, रिएक्शन, और अब बारी है आज के डायलॉग ऑफ द डे और मैन ऑफ द मैच की। चोर को डर होता है, भारतीय सेना को डर नहीं है इन चीजों का। मैं समझता हूं किसी भी भारतीय सैनिक को इन तीन मुद्दों से हटाने में कोई, हमारा आर्मी एक्ट 70 बोलता है रेप मर्डर और कल्पिसाइड होमोसाइड, उस पर हमारी सेना भी उस पर कहती है जो मर्जी करो हमारे जवान के साथ। थोड़ा सा टॉलरेंस हमको रखना चाहिए, ठीक है सर। मैनिफेस्टोस को डिबेट करना चाहिए पॉजिटिव लाइट में ला करके, ठीक है सर। चलिए, तो मैनिफेस्टोस पर बहस करना जरूरी है और यह भी जानना जरूरी है कि मैनिफेस्टो की आड़ में कहीं पॉलिटिकल पार्टीज अपना एजेंडा तो नहीं चला रही है जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है। और देश की जो जनता है उसकी राय से यह साफ जाहिर हो रहा है कि देश की जनता फिलहाल ये मान रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो कांग्रेस का जो एजेंडा आया है इसने कहीं ना कहीं जो देश विरोधी ताकतें कहीं उनको मनोबल बढ़ाने का काम तो नहीं किया, इस पर भी डिबेट जरूर होनी चाहिए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए गोपाल कृष्ण जी, अब्दुल रजाक साहब, राजीव रंजन जी, जनरल दयाल, संगीत रागी जी, रमेश खन्ना, अनिल आनंद, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था देश की बात का आज का एपिसोड, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। थैंक यू सो मच।